हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा, विशेषताएं और इसके सिद्धांत क्या होते हैं। बात करें समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी शिक्षा जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को भी एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट बालक में ऐसे बालक होते हैं जो लंगड़े, बहरे, अंधे या मंद बुद्धि होते हैं, वह विशिष्ट बालक में आते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जाँच की जाती है, तत्पश्चात उन्हें जो शिक्षा दी जाती है उसका स्तर निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की परिभाषा। स्टीफन तथा ब्लैक हार्ट के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ होता है बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होता है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है यर्सेल के अनुसार इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण होते हैं योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंतन का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वह प्रतिभाशाली, कमजोर, हर वर्ग के बालकों के लिए होती है। समावेशी शिक्षा द्वारा जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं उन्हें और सामान्य बालकों को एक समान महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह शिक्षा जो विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वह समाज में अन्य लोगों की तरह अपना भी जीवन यापन कर सके। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के बीच स्वस्थ सामाजिक वातावरण और संबंध बनाने में सहायक होती है। इस शिक्षा के अंतर्गत जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं और सामान्य बालक दोनों को साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। इसमें है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। तो व्यक्तिगत रूप से सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, चाहे वह रंग रूप को लेकर हो या व्यक्तित्व को लेकर हो। जब बालक को समावेशी शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है। मतलब जैसे विशिष्ट बालक है तो उसे व्यक्तित्व के अनुसार उसके शिक्षित किया जाता है। प्रतिभावान छात्र हैं तो उसे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। मंद बुद्धि बालक है तो उसे हर कार्य धीरे धीरे करके सिखाया जाता है, ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। नेक्स्ट है माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता का सहयोग पाकर ही बालक और अच्छी तरह से अधिगम कर पाता है, यानी और अच्छी तरह से वह सीख पाता है। नेक्स्ट है भेदभाव रहित शिक्षा। तो भेदभाव रहित शिक्षा हेतु छात्रों की पहचान की जानी आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इसी के आधार पर छात्रों को बांटा जा सकता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो विशिष्ट कार्यक्रमों विशिष्ट शिक्षा हेतु कुछ विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। जो शारीरिक रूप से बाधित छात्र होते हैं उनकी शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार होता है। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से अगर जो वो संतुष्ट नहीं हैं तो वह किसी अन्य शिक्षण संस्था में उन्हें भेज सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना। प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का विकल्प किसी भी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।